हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं मामाअर्थ के एक नए प्रोडक्ट के बारे में जो है मामाअर्थ मी परफ्यूम। ये एक आम परफ्यूम जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है मेड सेफ परफ्यूम। सो इसकी एक खास बात यह है कि जैसे कि आपको पता है हर इंसान में एक अलग अलग यूनिकनेस होता है, उनका स्टाइल, टेस्ट तो फूड सारे अलग अलग होते हैं। तो ये बॉटल तो एक ही है, लेकिन इस जैसे कि मैं अभी अपने आपको मार के दिखा रहा हूँ, हमारे इधर में जो कैमरामैन साहब है पूछी, उसके बाद उनको दिखाएंगे। इसका ये खास बात है कि ये हर किसी के बॉडी से अलग अलग फ्रेग्रेंस आएगा, समझ रहे, अलग अलग खुशबू आएगी। पूछी को लगा के देखते हैं, चलो पूछी दिखाओ, तुम्हारा वाला सुंघाओ। तुम्हारा थोड़ा लाइट आ रहा है, मेरा थोड़ा स्ट्रांग आ रहा है, बिकॉज़ आई एम स्ट्रांग। दिखा दिखा दिखा। हाँ, अलग तो है गाइस। सो गाइस, ये लास्ट करता है 12 आवर के लिए। ये है इंडिया का फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस। और ये खासकर इसकी और एक बड़ी बात ये है कि ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, लड़के हो या लड़की, चाचा हो या चाची, सब लगा सकते हैं। और ये एक ऐसा यूनिसेक्स परफ्यूम है जो डिजाइन किया है, कभी एक जैसा स्मेल नहीं करेगा। सो गाइस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम get a unique fragrance for yourself. This perfume reacts differently with different people's skin oils and produce a signature scent that is absolutely one of a kind and can't be replicated. So guys, जैसे कि आपको पता है, अभी अभी आपने देखा है, पोछी के उससे अलग खुशबू आ रही थी, मेरे इससे अलग खुशबू आ रही थी। मतलब इससे बड़ी क्या बात होगी कि सबके पास personalized खुशबू परफ्यूम होगा। ये है मामाअर्थ का नया प्रोडक्ट, मामाअर्थ मी perfume. So guys, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website of the 3 data plan. By 2025, Mamaearth plan कर रहे 1 million tree plant करने का। और अगर आपको Mamaearth का product चाहिए, आप खरीद सकते हो Amazon, Nykaa या Flipkart से, या फिर आप खरीद सकते हो Mamaearth के official website से, जहाँ पे आप मेरा code use कर सकते हो Mercy2022 for 20% off. अभी आगे बढ़ते हैं, हम जा रहे हैं अपने घर, उसके बाद जाएंगे हम अपने गाँव की ओर। चलिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने नानी के घर। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिशिंग करने, कहते कि बिहू आई ऐसे सुगात मांस खा, फिशिंग करेंगे। सब रेडी कर लिए, सामान डाल लिए, और थोड़ा बैकग्राउंड दिखाते हैं कि कल जलाएंगे। बहुत दिनों के बाद आए हैं नानी के घर, कि ज़्यादा आना जाना नहीं होता था, और कोविड के टाइम भी, समझ रहे हो ना, तो मज़ा आता है इधर में। इधर पर बहुत हम लोग ने टाइम स्पेंड किया बचपन में। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। उधर तो मतलब पूरा जंगल के अंदर हम लोग फिशिंग करने जाते हैं। ये भी गांव है, वो ज़्यादा गांव है। और इधर पास में ही एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसको बोलते हैं इधर में राख मंदिर। बहुत बड़ा पूजा होता है, बहुत, लेकिन शायद एक दो साल से नहीं हो रहा, क्योंकि कोविड ऑब्वियसली, क्योंकि हर साल इधर में लाख के ऊपर ऊपर आदमी लोग आते हैं। और गाइस, इधर में हमारे केला केंगे हैं। क्या है गाइस, ये बड़ा होगा, अभी छोटा है अभी, ठीक है। हेलो आदि, जैसे कि आदि का भी बड़ा होना होगा, उस तरीके से इस केले को भी बड़ा होना होगा। सो गाइस, हम लोग फाइनली आ गए। ये मतलब ऐसा है कि उस टाइप का है कि ये जो बोलते हैं ना लोग फार्म हाउस, वो ये है हमारा फार्म, और ये हम लोग का हाउस। ये हमारी मम्मी, ये हमारी नानी। फैमिली दिखा बोले तो हमने दिखा दिया फैमिली, और बार बार मैंने पूछा करो, ठीक है। मामा, कौन सा पसंद है तुमको, हम लेके आएंगे, कमेंट में लिख देना, ठीक है। सो गाइस, अभी हम लोग अमेजन फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं। सो ये है हमारा एक प्यारा सा फार्म हाउस, और आगे है फिशिंग, क्योंकि आज खाना है फिश। और इधर सांप भी निकलता है, तो थोड़ा हमें संभल के जाना होगा। आप भी संभल के जाइए, हम भी संभल के जाएंगे, है कि नहीं। सब पूरा रेडी है, उतर गए हैं। इसको रिजॉर्ट बना दे क्या गाइस, मर्सी रिजॉर्ट। सो फिशिंग का रिजल्ट हम नहीं दिखाएंगे, कितना फिश पकड़े हैं, क्या पकड़े, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को वो वेज, जो हमारे वेज वाले, तो उनको थोड़ा सा ख़राब लगता है। व्लॉग में वो पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि हम वेज ब्लॉगर हैं, वेर वेज ब्लॉगर, बस इधर फिशिंग करने आए, ठीक है। सो अकेले आने में इधर घंटा फटता है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा अंदर तक आना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब आना पड़ता है। अकेले आने में थोड़ा सा फट्टा है गांड, क्योंकि ज़्यादा नहीं, भूत प्रेत ये सब का गांड नहीं, मतलब वो जो रेप्टाइल्स, डायनासोर, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट थे ना, डायनासोर, फिर वो हवा में उड़ने वाला बैट, स्नेक, उससे गांड फटता। तो हम अकेले आते नहीं इधर में, बहुत डर लगता है, तैरना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, बस यूट्यूब में फ़ोन पकड़ के व्लॉग 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 व्लॉग, रॉकेट व्लॉग बनाना। कैसा जनरेशन हो गया ये, हैं, रॉकेट व्लॉग एंड बनाना एंड प्लस स्ट्रीम,
ऑन लोको एंड वाइटी। कैसा लगा मर्सी का अमेजन फॉरेस्ट? अच्छा लग रहा तुम लोगों को देख के? फैमिली दिखा, ये दिखा, वो दिखा, दिखा दिया हम, लेकिन ज़्यादा हमको दिखा दिखा मत करो। अब इधर क्या मछली लगेगा क्या नहीं, नो आइडिया, लेकिन है इधर में बहुत बड़े बड़े। एक्चुअली गाइस इसको वो ये पॉन्ड है, मतलब इधर पे आपको मछली इधर में खुद नहीं आता अनलेस इधर में बारिश हो, तो ये बारिश का सीज़न है नहीं, तो इधर में वही मछली मिलती है जो आप एकदम छोटे छोटे मछलियाँ होती है ना, तो आप उसको डालते हो दाना, वो सब फिर बड़े हो जाते हैं, फिर पकड़ते हो, फिर खाते हो। यहाँ से इतना है, तुम लोग ज़्यादा फ्रैंक मत हो, ठीक है? सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कल के पार्टी के बाद, तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़े देर, आई मीन 5-10 मिनट में निकल ही रहे हैं। आज थोड़ा उठने में लेट नहीं हुआ है, जल्दी उठे, थोड़ा डॉक्टर के पास भी जाना था क्योंकि मुझे थोड़ा सा शोल्डर में प्रॉब्लम हो रहा था, स्टिफनेस। दिस इज आवर राख मंदिर, ये है एंट्री। सो यहाँ पे बहुत बड़ा पूजा होता है, इट्स लाइक ए फेस्टिवल टाइप, दिवाली के पहले या दिवाली के बाद ऐसा ही कुछ है, मतलब अक्टूबर नवंबर के टाइम में होता था। हाय, ये है रैबिट, लेकिन कुत्ते की तरह बिहेव करता है। की नाम? टिमी। टिमी। और ये है इटू हल हमारा बिहूर भेलाघर, काली बिहू काली ज्वलाब। ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग हम इधर ही समाप्त करते हैं रास्ते में चलते चलते, क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं गुवाहाटी के लिए, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। बीच में हम लोग गुवाहाटी टू हावली टू गुवाहाटी, ठीक है, इधर में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है रास्ते में, प्लेन ही है। सी यू गाइस, बाय बाय, टाटा।